चौतीस चार पर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। अभी तो ये लड़ाई है, आगे वो लड़ाई है। चलेगा कि आपकी नियुक्ति कब हुई और कब खत्म होगी। विरोध करिए, संघर्ष को बढ़ाइए, एकता बढ़ाइए। हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है, वो है एकता। एकता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, एकता पर बल दीजिए। एकता को लेकर के संघर्ष करिए। एआईपीसी आपके साथ है। यहां अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं, अगर यहां सुनवाई नहीं होती है, तो मैं एआईपीसी की तरफ से आपको सलाह देता हूं और एक अपना मत रखता हूं। अगर यहां से आपकी बात नहीं सुनी जाती है, आप भूख हड़ताल का आपने घोषणा की है, आगे और ध्यान देना। सोचें, जहां से आपका ज्ञान मिलता है, जहां से आपके लिए पैसा मिलता है, यूजीसी का गला दबाने की कोशिश करिए, यूजीसी का घेराव करने की कोशिश करिए। आगे बढ़ाइए संघर्ष। जब यूजीसी के चेयरमैन का घेराव होगा, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारे विश्वविद्यालय को पता चलेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग संघर्ष के रास्ते पर हैं। आपके समर्थन के साथ, आपके समर्थन के लिए अगर दिल्ली के अंदर हड़ताल की जरूरत पड़ी, तो एआईटीसी पीछे नहीं हटेगी। एआईटीसी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ेगी। एक प्रस्ताव आया था मॉडल एक्ट, जिसका नाम था, याद करिए, और उस मॉडल एक्ट में कहा गया था कि जो भी आपका कॉस्ट होगा यूनिवर्सिटी चलाने का, वो छात्रों से वसूल की जाएगी। हमने कहा कि यही प्राइवेटाइजेशन है, इसका विरोध होना चाहिए। और सबसे पहले डूटा का इलेक्शन का खत्म होते ही 5-10 दिन के बाद हमने कर्मचारी भाइयों से बात किया और हमने जॉइंट कॉल दिया। 2 दिन का हमने जॉइंट कॉल दिया, इसके बाद हमने सिर्फ 4 दिन का जॉइंट कॉल दिया। पहले 2 दिन का जॉइंट कॉल तो डूटा और डुकू का था, उसमें छात्र भी सम्मिलित हो गए थे। आगे जो हमने कॉल दिया, मैं उस समय में कोई फेटकुटा का प्रेसिडेंट नहीं था, बाद में बना 2 बार, लेकिन सारा हिंदुस्तान का शिक्षक और कर्मचारी हमारे साथ जुड़ गए थे। हमने जम करके उसका विरोध किया, क्योंकि उद्योगपति भाइयों का जब तक जेब नहीं भरेगा, सरकार का जेब नहीं भरेगा। और मरना तो हमें है ही, लेकिन मरने से पहले अगर हम एकत्रित नहीं रहेंगे, तो हमारा मौत का खबर भी किसी को नहीं होगा। और हमको ये जो 1100 करोड़ 900 करोड़ जो एडमिशन स्टूडेंट्स का आज नहीं हो रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदुस्तान का एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, वहां स्टूडेंट्स नहीं आ रहा है, उसका कारण क्या है? कारण तो सरकार है। क्लासेस है नहीं तो 20-25 हजार रुपया में ना वो जिंदा रह सकता है, ना मर सकता है। ये इनकी भारत है, ये इनका नेशनलिज्म है, ये इनका मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है। आदमी मर चुका है, अपने बाल बच्चों के लिए किसने पढ़ लिख करके अपना करियर बनाया, 20-22 साल, 18 साल, 15 साल काम किया, और ये सब चीज गिफ्ट पैक में चल रहा है। जो प्रिंसिपल जितना मोबिलाइज कर रहे हैं, हम आपके संघर्ष में बिल्कुल साथ हैं, और जहां तक भी जाना पड़े हम इस लड़ाई को कामयाब करके छोड़ेंगे। लेकिन इस क्यू पे जो यहां पर बैठे हैं, जो यहां पर वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार, इनको अपने जो साजिश है उसमें हम कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें जो भी कुछ करना पड़े। साथियों, अभी कांग्रेस ने बताया ई टेंडर के बारे में जो चर्चा चल रही है, मैं आपको उसे भी बताया था। कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट 1970 में बना हुआ एक कानून बना है,
कि जहां भी परमानेंट जॉब है वहां पर ठेकेदारी नहीं होनी चाहिए, कानून में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये जो जब से सरकार आई है, केंद्र सरकार, मोदी सरकार या दिल्ली में कह लो जो केजरीवाल सरकार, ये सबसे ज्यादा ठेकेदारी पर जोर दे रहे हैं, सबसे ज्यादा ठेकेदारी पर जोर दे रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय में भी ठेकेदारी चल रही है, वहां पर भी ये लोग ठेकेदारी के माध्यम से काम कर रहे हैं। अभी जो साथी यहाँ पर काम कर रहे हैं 15 साल 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं और उनको बेनिफिट सब यहाँ पर डीयू से मिलता है, आपके विश्वविद्यालय से मिलता है, चाहे सैलरी हो गया या अदर बेनिफिट उनको यहाँ से मिलता है। वो ये चाह रहे हैं उनको ई टेंडर के माध्यम से ठेकेदार के नाम रोल पे डालना, उसका नुकसान कितना बड़ा होगा ये आप समझ सकते हैं। मैंने आपको उस दिन भी बताया कि जो भी साथी अगर 240 दिन से ज्यादा कहीं भी वर्क कर लिया तो इंडस्ट्रियल रिपोर्ट 1947 क्लियर करता है कि उसको परमानेंट माना जाएगा और वो परमानेंट के हकदार है। आपने तो 15 साल किया है, 20 साल किया है, सिर्फ इन्होंने जानबूझकर कुछ साथियों के नाम के आगे एक परमानेंट शब्द नहीं लगाया, रेगुलाइजेशन का शब्द नहीं लगाया, जिससे ये परेशानी आ रही है। और ये चाह रहे हैं यहाँ पे ठेकेदारी यहाँ पर शुरू करके और अंदर अंदर ही उस साथी का नाम ठेकेदार के ऊपर डाल दिया जाए। और अभी अभी कामरेड ने बताया राजपूत जी ने कि आपकी ग्रेजुएटी भी मारी जाएगी, आपकी अदर बेनिफिट सब मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि ठेकेदार जो भी रहेगा वो 5 साल तो रहेगा ही नहीं, हर एक 2 साल 3 साल पे नए ठेकेदार चेंज कर देंगे और आपका नाम एक दूसरे ठेकेदार के नाम से दूसरे ठेकेदार के रोल पे डाल देंगे। आजकल ESI का भी सिस्टम ऑनलाइन है, PF का भी सिस्टम ऑनलाइन है। आप सोचेंगे कि हमारे से तो साइन ही नहीं करा तो मैं दूसरे कंपनी में कैसे चला गया, लेकिन ऑनलाइन आजकल सब कुछ हो रहा है। ये सरकार छूट दे रखी है बड़े बड़े पूंजीपतियों को कि आप अपने मर्जी से ऑनलाइन सब करिए, लाइसेंस भी ऑनलाइन लीजिए और मजदूरों का भी सोशल ऑनलाइन कीजिए, जो ये चल रहा है। इसलिए हमें ये विरोध करना बहुत ही अति आवश्यक है। मोटे मोटे वैसे ही तो पता चले कि बाहर लोग बैठे छोड़ने वाले नहीं है। जिंदाबाद 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 का जिंदाबाद 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 बोल मजदूरे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल बेईमान चांसलर पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल भ्रष्ट रजिस्ट्रार पर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल अभी तेरे अंगड़ाई है।